गैस बिजली खाद कीमतों में उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर मॉडल टाउन में ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां शहबाज शरीफ ने हुकूमत को चार्जशीट करते हुए कहा कि आवाम दुश्मन पॉलिसियों का डटकर मुकाबला होगा। दहशतगर्दी के हवाले से 6 सितंबर के वजीर आजम इमरान खान के बयान पर सख्त तनकीद कर डाली। हम साहब ने ये कह के कि ये जंग हमारी जंग, मैं ही समझता हूँ जंग हमारी जंग नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन शहीदों की जो रूह है उनको तड़पाने की एक बहुत ही एक संगीन उन्होंने बात की। सदर मुस्लिम लीग ने चीनी वजीर खारजा के इस्तकबाल के लिए निचले दर्जे के अफसर को भेजने पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मियां शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वजीर आजम को यू टर्न की याद दिला दी। कहते हैं इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का इमरान खान का वादा पूरा ना हो सका। भरपूर मुतालबा किया कि पार्लियामेंट्री पार्टी का एक कमीशन बनाया जाए जिसमें तमाम सियासी पार्टियां शामिल हों और उनको मुकम्मल इख्तियार दिया जाए उस कमीशन को कि वो इस धांधली की तह तक पहुंचे। सदर मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा कि खाद गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे से आम आदमी पर जुर्म ढाया जा रहा है। कैमरामैन उमैर रईस और बाबर रियाज के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़।